छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सोमवार को तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग खेत से अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान घात लगाए तेंदुए ने बुजुर्ग की गर्दन पकड़ ली और घसीटते हुए खींच कर ले जाने लगा। ग्रामीणों ने देखा तो शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़े। इस पर बुजुर्ग को छोड़कर तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन विभाग कैमरे लगवाने की बात कह रहा है। जानकारी के मुताबिक जड़ा जड़ा के रहने वाले शंकर निषाद खेत कोचेना गांव के पास है। वह सोमवार को खेत से लौट रहा था, इसी दौरान बस्ती के पास ही स्थित हैंडपंप बोरिंग के पास बैठ गया, तभी घात लगाए हुए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। शंकर के बैठे होने के चलते उसकी गर्दन तेंदुए ने पकड़ ली और खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। शंकर की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग शोर मचाते हुए दौड़े। लोगों को शोर मचाता आते देख तेंदुआ बुजुर्ग को छोड़कर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने शंकर के गांव जड़ा जड़ा फोन कर इसकी जानकारी दी और एम्बुलेंस बुलाई। शंकर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और इलाज के लिए 1,000 रुपये की तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।